हे गाइस, वेलकम टू टॉपर्स मोड। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है? इवन दैट स्टार्टेड इन पास्ट, बट जो इवेंट स्टार्ट तो पास्ट में हो गया लेकिन वो ख़त्म कब होता है? प्रेजेंट में। उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बताते हैं। इवेंट दैट स्टार्टेड इन द पास्ट बट रिजल्ट्स इन प्रेजेंट, जो ख़त्म प्रेजेंट में होगा लेकिन शुरू कहाँ हो गया? पास्ट में। तो देखिए, इसके सब्जेक्ट्स किस किस के साथ यूज़ होते हैं। हमारे सब्जेक्ट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट्स, आई, यू, ही, शी, इट। फिर प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं वी, यू, दे। तो आई के साथ क्या लगता है? आई हैव, यू हैव, ही हैज, शी हैज, इट हैज, वी हैव, यू हैव, दे हैव। तो इस तरीके से सिवाय ही, शी, इट के सबके साथ है लगता है, और सिर्फ ही, शी और इट के साथ लगता है हैज। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इसके सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं कि इसके सेंटेंस किस तरीके से बनते हैं। इसके सेंटेंस में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, वो हमें सब्जेक्ट के मुताबिक सेलेक्ट करना पड़ेगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। फ्रेंड्स, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है? जो पास्ट पार्टिसिपल वर्ड्स होते हैं टेबल से, हमारे ऑलमोस्ट टेबल्स होते चार्ट्स होते हैं, इस लिस्ट ऑफ वर्ब्स होते हैं जिसमें हमें दिए होते हैं, जैसे गिव, गेव, गिवन। तो गिवन जो थर्ड फॉर्म आता है उसको कहते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे होता है गिव, गेव, गिव। तो ये जो गिवन है ये होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसको बोलते हैं पास्ट वर्ड्स। तो हम इसको सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं, जैसे डू, डिड, डन, गो, वेंट, गोन, ईट, एट, ईटन। फिर कुछ तो सेम भी आते हैं, जैसे पुट, फुट, फुट, played, play, played और played। और मोस्ट कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये दोनों सेम होते हैं, जैसे drive, drove, driven। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये सबको बोलते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इन वर्ड्स को हमें यहाँ लिखना है, हमारा जो ओरिजिनल वर्ब होगा उसका जो थर्ड फॉर्म होगा उसको बनाना, उसको लिखना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वर्ब थर्ड फॉर्म को समझ गए होंगे। चलो हम उसके सेंटेंसेस बनाते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स, आप लोग ये वर्ब के थर्ड फॉर्म्स को समझ गए होंगे। बड़े इजी है बस, तो अगर आपको तो इसके चार्ट इंटरनेट से भी मिल जाएंगे, एंड मैं भी इसका एक वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको सारे वर्ब्स के पासवर्ड्स और पास पार्टिसिपल वर्ड्स मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसके कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। आई have seen, see, saw, seen। तो ये वर्ड होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म सी। तो इसका कैसे बनेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस? हैव आई सीन, ये ऐसा भी हो सकता है, आई हैव सीन दी मूवी, हैव आई सीन दी मूवी, आई हैवंट सीन दी मूवी, हैवंट सीन। सिंपल सा सेंटेंस है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स बड़े इजी, बस थोड़ा सोच समझने की ज़रूरत है। अगर जहाँ भी परफेक्ट आता है तो याद रख लीजिए वहाँ हैज, हैव या हैड आता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। हमेशा परफेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म इज़ लाइक अ सिनोनिम्स, हमेशा साथ में आते हैं ये लोग। ही हैज रिटन, तो हैज ही रिटन। He hasn't written. He hasn't written. He has written a book. Has he written a book? He hasn't written the book. So guys, इस तरीके के इसके sentences बनते हैं। तो हम उसके और भी sentences देखते हैं, जैसे they have played the game,
शी हैज कुक्ड अ डिलीशियस डिश और इट हैज रेन्ड यस्टरडे सॉरी टुडे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीख रहे थे तो वी हैव प्लेड दे हैव दे हैव रन इन द रेस तो ऐसे इसके वर्ड्स बनते हैं अब इनके इंट्रोगेटिव कैसे बनेंगे दे हैव प्लेड हैव दे प्लेड हैज शी कुक्ड हैज इट रेन्ड हैव वी प्लेड हैव दे रन तो इस तरीके से इसके इंट्रोगेटिव बनेंगे अब नेगेटिव तो बिल्कुल ही ईजी बन जाएगा दे हैवन प्लेड शी हैजन कुक्ड इट हैजन रेन्ड वी हैवन प्लेड दे हैवन रन तो गाइज ये बहुत ही ईजी से स्टफ्स हैं बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा जिससे ये आपके लिए ईजी हो जाएगा गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए शेयर करिए एंड वीडियो को देखने के लिए थैंक यू